हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी अगेन आपके सामने जून 2019 बुकलेट कोड ए। बुकलेट कोड ए जो कि पार्ट सी का क्वेश्चन है 68, इसका हमें स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर बी आर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है जेड सेट ऑफ इंटीजर, सेकंड ऑप्शन गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, थर्ड ऑप्शन गिवन है सेट ऑफ रेशनल नंबर, फोर्थ ऑप्शन गिवन है आर बैकस्लैश क्यू, इसका मतलब जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज इक्वल टू आई सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या कहा है, यह सच दैट आर टाइम्स टू आर बी आर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज नहीं करता, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम जानते हैं कि जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है वो एट मोस्ट काउंटेबल होती है। वी नो दैट द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट मोस्ट काउंटेबल, और हम जानते हैं काउंटेबल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर और जो क्यू होता है रेशनल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर रेशनल नंबर ये सब के सब क्या होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं। इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल की डिफिनेशन हम बताएंगे, काउंटेबल सेट अ सेट इज सेट टू बी काउंटेबल इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो कि वो क्या हो फाइनाइट, सेकंड डिनोमरेबल। डिनोमरेबल मीन्स या फिर वो नेचुरल नंबर हो जाए या फिर इंटीजर हो जाए या फिर रेशनल नंबर हो जाए, ये सब क्या है डिनोमरेबल है, या तो फाइनाइट फाइनाइट में जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो और फाइव, तो यहाँ से हम ऑप्शन पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, कहता है जेड, दैट मीन्स इसका कहने का मतलब इसकी जो कंटिन्यूटी होगी कौन कौन सा ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन कौन सा काउंटेबल है। तो फर्स्ट क्या है, काउंटेबल है सेट ऑफ इंटीजर, क्या होता है काउंटेबल होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। सेकेंड कहता है नेचुरल नंबर, यस नेचुरल नंबर भी काउंटेबल है। क्यू रेशनल नंबर है, ये भी क्या है काउंटेबल है। फोर्थ ऑप्शन कहता है इरेशनल नंबर, जी नहीं इरेशनल नंबर काउंटेबल नहीं होता है, इसका मतलब हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन काउंटेबल का है। जेड काउंटेबल है, नेचुरल नंबर काउंटेबल है, रेशनल नंबर काउंटेबल है और इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।